लॉकडाउन में जहां हर राज्य कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए अपने स्तर पर बेहतर काम कर रहा है, वहीं हर राज्य में एक न एक घटना ऐसी सामने आ रही है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हुए हमले के बाद मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक और मामला सामने आया है, जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दरअसल पुलिसकर्मी लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बोल रहे थे, जिस पर गांव वाले भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिन रात एक कर जनता को इस महामारी से बचाने में लगे पुलिसकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन गुंडों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही बताया जा रहा है कि पुलिस ने 6 नामजद और 10 से 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। न्यूज डेस्क।